छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए सड़क हादसे में मारे गए लोगों के बच्चों को भाजपा विधायक भावना बोहरा गोद लेंगी। वो इन बच्चों की शिक्षा, रोजगार से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी निभाएंगी। पंडविया विधायक मंगलवार को मृतकों के परिजनों से मिलने सेमरा गांव पहुंची थी। इस दौरान विधायक बोहरा ने हादसे में मारे गए 19 लोगों के 24 बेटे और बेटियों को गोद लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मन बहुत व्यथित है, उनके दुख में उनके साथ रहना मेरी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। मैं उनके परिजनों की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन उनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास जरूर कर सकती हूं। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कवर्धा सड़क हादसे को जनहित याचिका माना है। इसकी सुनवाई 24 मई को होगी। मामले में पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के साथ ही कलेक्टर समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ने अपना बिजनेस डालने का सोचा था, कुछ कृषि कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला है कि उनकी जो प्राथमिकता है एक बार चर्चा करके ये सब एक बार 8 से 10 दिन की जो है वो निकल जाएं, उसका उनसे बात करके जहां उचित हो सकता है कि उनकी रोजगार की भी सुविधा जो हो सकेगी कराने का प्रयास क्षेत्र में किया जाएगा। देखिए, काफ़ी चिंता का विषय है, निश्चित ही बहुत चिंता का विषय है। और न सिर्फ कुकदुर बल्कि ऐसी घटनाएँ छत्तीसगढ़ में, मतलब ऐसा जो पिकअप जाने आने का या जो मजदूरों के जाने की संख्या लगातार ये बढ़ रही है, चिंता है। और निश्चित ही सरकार और हम इस पर प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये स्थिति को नियंत्रण कर पाएं। वहाँ भी जब ग्रामीण जनों के साथ हम बैठे हैं उनके साथ में, तो मैंने ये विषय रखा है कि पहली प्राथमिकता अपने खुद के जीवन को दे। जिस तरीके से एक पिकअप में वो 22 लोग करीब उसमें सवार थे, तो निश्चित ही जो घटना घटी है सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है।